तो इनके लिए सारे बच्चों से कहता है एक बार कस के ताली दिया जाए। आज का कार्यक्रम बड़ा सौभाग्यपूर्ण हुआ कि हम इस लायक हमको समझा गया, क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे तो है नहीं और ऐसा घर से। निशुल्क कोचिंग सेंटर संकल्प में बुधवार को समाज सेवी सोराब अंसारी ने 50 गरीब बच्चों के बीच स्कूल बैग का वितरण किया। राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच की अगुवाई में आयोजित इस कार्यक्रम में इस अवसर पर कोचिंग सेंटर में 2 पंखा भी लगाया गया। इस मौके पर सौरभ ने कहा कि हम अपने समय में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, ये अफसोस हमेशा मेरे मन में रहता है, पर मैं ऐसे बच्चों को मदद करना चाहूँगा ताकि शिक्षा से वंचित ना रहे। ऐसे बच्चे अगर शिक्षित हो जाए तो यह मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। मौके पर रमेश राजा, संजय ठाकुर, प्रेमनाथ गुप्ता, सूरज कुमार, विद्यांचल सिंह आदि मौजूद थे। ज्ञात हो कि लोयाबाद 3 नंबर में संचालित संकल्प कोचिंग सेंटर में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। आज का कार्यक्रम बड़ा सौभाग्यपूर्ण हुआ कि हम इस लायक हमको समझा गया, क्योंकि हम खुद पढ़े लिखे तो है नहीं और ऐसा घर से हम लोग हैं और हम चाहते हैं कि इस नीचे से कोई IAS हो, अफसर हो, क्योंकि यहाँ का विधायक हो या MP हो, कोई भी शिक्षा रोजगार का बात नहीं करता है। और सबसे बड़ा बात है कि कौन ऐसा कार्य नेता है जिसके ऊपर लड़के लोग का केस नहीं है। हम यही चाहेंगे कि जो उसके बाप पे केस है अपना बेटा को पढ़ाए, आगे करे, लोयाबाद से एक IAS अफसर दे, समझिए। और हम लोग राहुल गांधी जी का मोहब्बत का दुकान का आगे बढ़ा रहे हैं और जब तक रहेंगे गरीबों के साथ रहेंगे। 36 बिरादरी का प्यार है, उसको आगे करते जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच की ओर से किया जा रहा है, जिसका मुख्य अतिथि सौरभ अंसारी जी थे और सौरभ अंसारी जी के सौजन्य से यहाँ संकल्प में पढ़ रहे बच्चों को निशुल्क पढ़ा रहे बच्चों के सर सुनील सर सूरज सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और उनको और प्रोत्साहन करने के लिए निशुल्क बैग वितरण किया गया। और इस कार्य हेतु हम पूरे जो भी मंच के पदाधिकारी लोग हैं, हम लोग सदस्य लोग हैं, सब तहे दिल से सौरभ अंसारी जी का शुक्रिया अदा करते हैं और हम यह आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में और मंच के माध्यम से जो भी सामाजिक कार्य हो उसमें ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो इनके लिए सारे बच्चों से कहता है एक बार कस के ताली दिया। शिक्षा का हो प्रसार, बाबा साहब का विचारों को हर घर में पहुँचाना है और बाबा साहब का सपना जो था कि उनका राज चले, हर मानव का सपना है कि कम से कम पानी पीने का दिक्कत नहीं हो, रहने का दिक्कत नहीं हो, कपड़ा मकान पढ़ाई लिखाई सबको मिले, ये सपना उनका पूरा करना ही मंच के माध्यम से। धन्यवाद। जय भीम। जय भीम।